एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सोमवार को अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर दी है और इस फिल्म का टाइटल है जोगीरा सारारा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नेहा शर्मा और कुशान नंदी के साथ दो तस्वीरें शेयर की है। इसके साथ उन्होंने फिल्म की पूरी डिटेल दी है। इस रोमांटिक कॉमेडी को कुशन नंदी डायरेक्ट करेंगे। फिल्म को गालिब असद भोपाली ने लिखा है और टचवुड मल्टीमीडिया क्रिएशंस के बैनर तले नईम सिद्दीकी इसे प्रोड्यूस करेंगे। वहीं फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर किरण श्याम श्रॉफ होंगे और ये फिल्म फरवरी 2021 में फ्लोर पर आएगी। फिल्म जोगीरा सारा रारा में ये दूसरा मौका होगा जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी और कुशान नंदी एक साथ काम करेंगे। इससे पहले दोनों ने साल 2017 में आई फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज में एक साथ काम किया था। फिल्म के बारे में कुशान नंदी ने बताया है कि जोगीरा सारा रारा की स्टोरी एक लव स्टोरी है, लेकिन दूसरे फिल्म की लव स्टोरी से काफी अलग है। इस फिल्म में प्यार के साथ थोड़ा पागलपन भी देखने को मिलेगा, जहां उनकी कहानी को छोटे शहर की पृष्ठभूमि में रचा गया है, जहां नवाजुद्दीन और नेहा के बीच के प्यार फैंसी होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए मैडनेस भी दिखेगा और इस ऑड कपल के प्यार दर्शकों को काफी गुदगुदाने वाली है। बिग बॉस 14 से जुड़े अपडेट से फैंस की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है और बिग बॉस के 14 सीजन के शुरू होने का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे कोरोना की वजह से इस बार शो के शुरू होने में देरी हो सकती है, लेकिन शो के सितंबर में प्रसारित होने की उम्मीद है। अब तक बिग बॉस 14 के लिए कई प्रतिभागियों के नाम सुनने को मिल रहे हैं और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस 14 के मेकर्स ने बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नेहा शर्मा और नागिन 4 की एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को भी इस शो के लिए अप्रोच किया है। नेहा ने फिल्म क्रुक से बॉलीवुड में कदम रखा था, बाद में वो यमला पगला दीवाना 2, यंगिस्तान, क्या सुपर कूल है हम जैसी फिल्मों में दिखाई दी। दूसरी ओर जैस्मिन भसीन को आखिरी बार एकता कपूर की नागिन 4 में देखा गया था। जैस्मिन को दिल से दिल तक और खतरों के खिलाड़ी में भी देखा गया था। वहीं बिग बॉस 13 में जैस्मिन भसीन बिग बॉस के घर में गेस्ट के रूप में भी शामिल हुई थी। वेल, सलमान खान बिग बॉस का एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, जिसके बाद ही निर्माता कंटेस्टेंट से बातचीत कर रहे हैं और अभी तक कई सेलेब्स के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसमें निया शर्मा, राजीव सेन, अध्ययन सुमन और विवियन डिसेना के नाम भी सुनने को मिले हैं।